हाय फ्रेंड, लैपटॉप एरर में आपका स्वागत है। तो अभी एक लैपटॉप आया है एचपी का, इसका जो पार्ट नंबर है और यहाँ पे देख सकते हो LAE791P, जो इसका प्रॉब्लम जो है ये डेड कंडीशन पे मैंने चेक किया, अभी ये शॉर्टिंग है। ठीक है, इसका जो लैपटॉप का मॉडल नंबर है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। मैंने बोर्ड को पूरा ओपन कर दिया, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ का जो लैपटॉप का जो मॉडल नंबर है 15-BS658TX, HP का है, ये भी कॉमन मॉडल ही है। तो इसमें जो है इसमें ग्राफिक्स है इनबिल्ट। ठीक है, तो इसका जो दिक्कत है ये शॉर्टिंग है। तो चलो हम देखते हैं कि शॉर्टिंग कहाँ पे। हम यहाँ पे ज़्यादातर DC ऑन नहीं करूँगा, नहीं तो दूसरा सेक्शन में दिक्कत हो जाएगा। तो आप देखेंगे कैसे। ठीक है, ये 3 वोल्ट में आ जा रहा है, 19 वोल्ट जब दे रहा हूँ ये कन्वर्ट होके शॉर्टिंग दिखा के 3 वोल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है शॉर्टिंग तो चेक करना है। तो आप देखिए कैसे इसका शॉर्टिंग निकलता हूँ। पहले देखिए यहाँ पे जो SMD वाला है ये पूरा जल गया है। ठीक है, गौर से देखिए, ये वाला, ये देखिए यहाँ पे जो SMD है, ये SMD ये वाला शॉर्ट है। तो पहले इसको निकालेंगे, निकाल के चेक करेंगे। और पहला जो पावर MOSFET है जो वो पूरा ही शॉर्ट है, तो पहले इसको चेक करूँगा। लैपटॉप को काम करने के लिए अच्छे टेस्ट लगाना जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, दूसरा सेक्शन में भी शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, ये ज़्यादातर 3-5 सेक्शन का ही है। ठीक है, तो ये शॉर्ट होगा तो 3-5 IC भी शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसको शॉर्टिंग है, शॉर्ट है, उसकी जगह पे एक थोड़ा सा SMD लगाना पड़ेगा। तो SMD का जो डब्बा है मेरे पास बहुत सारे, ये मेरे पास सब कुछ है अभी। तो एक बार इसको चेक करूँगा ये अभी तक शॉर्ट है कि नहीं। तो देखिए अभी भी शॉर्ट है। ठीक है, तो ये जो है ये IC भी शॉर्ट हो सकता है और ये फेड भी शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, तो अभी जो लगाऊंगा इसका जो SMD है वो लगाएंगे, ये अभी तक शॉर्ट है। ओके, शॉर्ट नहीं क्लियर हुआ, तो ये वाला सही है, चेक कर लेंगे ये वाला SMD स्पॉट है कि नहीं। ये तो फट गया है पूरा, देखिए पूरा जल गया है, तो इसलिए ये डैमेज है। तो काम करूँगा और यहाँ पे देखूँगा कि स्पॉट है कि नहीं है। पावर IC जो है वो भी पम्प फेड जो है वो भी शॉर्ट है, तो इसको पहले रिमूव करूँगा। तो कस्टमर ने बहुत सारे टाइम बार चेक किया होगा, इसलिए ये भी ख़राब हो गया। तो मेन है इसको हम निकल दिया, तो हमसे ओपन करके मैं चेक करूँगा ये जो फेड है ये पूरा शॉर्ट है कि नहीं। देखिए ये भी शॉर्ट ही है। ठीक है, तो ये शॉर्ट है, दो शॉर्टिंग है।
तो इसका तो शॉर्ट टर्म नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये अपने शॉर्ट है और 3-5 सेक्शन पे ये असेंबली शॉर्ट है, यहाँ पे भी देखना पड़ेगा। तो अभी भी शॉर्ट दिखा रहा है, तो मुझे लग रहा है ये 3-5 जो आईसी होता है ये भी जल गया होगा, इसके अभी भी शॉर्ट दिखा रहा है। तो मैं काम करूँगा, इसको थोड़ा सा जंपर लगा के इसको चेक करूँगा कि और कहाँ पे शॉर्ट है। तो मुझे मिला है 2 अभी तक शॉर्ट मिला है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जब शॉर्ट हुआ ना तो या ये 3-5 फेड खराब है, डुअल फेड है, या 3-5 आईसी भी चला गया इसके साथ, तो दोनों में एक हो सकता है, तो हमको सही से चेक करना पड़ेगा। तो नॉर्मली वोल्टेज को मैंने आउटपुट कर दिया अंदर, अब चेक करूँगा कि और कहाँ पे शॉर्ट है। और वोल्टेज को थोड़ा कम कर देंगे, रैम जो है वो ओपन कर देंगे। नॉर्मली बोर्ड जो है पूरा ओपन हो गया है, और इसको चेक करूँगे कि बाहर और कितनी जगह शॉर्ट है। तो मैं आइडेंटिफाई किया था 2 जगह शॉर्ट है, तो उससे भी ज़्यादा शॉर्ट है। दो वोल्ट में आ रहा है, तो कहाँ पे और भी शॉर्ट है, तो नहीं दिखा रहा है यहाँ पे शॉर्ट होना, मुझे लग रहा है कि ये वाला जो सेक्शन है ये ऐसे ही जल गया है, डुअल मॉस्फेट वाला। तो थोड़ा सा चेक कर लेंगे अभी कि जो डुअल चैनल है ये जल गया है। मुझे और एक जगह शॉर्ट मिला है यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि हाई वोल्टेज का कोई दिक्कत होगा, नहीं तो इतनी जगह शॉर्ट नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत जगह शॉर्ट है,
ये भी एक शॉर्ट निकला, ये भी ओपन हो गया, मतलब जल गया है। तो और कितनी जगह शॉर्ट मिलेगा हमको तो पता नहीं। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट निकल गया। तो नॉर्मली देखिए आप, जो शॉर्ट निकल गया है, ठीक है, तो तीनों जगह शॉर्ट था। हेलो, कोई भी शॉर्ट का इशू नहीं है। अब जो करना है, यहाँ पे जो छोटा वाला असेंबली है वो लगा देंगे। पहले इसका निकल लिया था। तो ये वाला सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसको लगा देंगे। इसे बैठा दिया, ठीक है। और भी एक है तो उसको भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो SMD शॉट का और एक मेन IC शॉट का। यहाँ पे और एक लगा देंगे। ये भी लगाने से पहले, जो भी लगा हो गया तो उसको लगाने से पहले चेक करना चाहिए। ये भी सही है। तो यहाँ पे लगा देंगे सही से। सही से लगा दिया। थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर चेक करेंगे कि शॉर्ट गया कि नहीं गया पूरी तरीके से। तो नॉर्मल तो शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। थोड़ा ठंडा होने देंगे। और इसको धुलेंगे प्रॉपर। पूरा ही शॉर्ट है तो इसको देखना पड़ेगा ये कौन सा चैनल है, एन चैनल या पी चैनल है। तो सही लगाएंगे तो अच्छा होगा।
बहुत गर्म है। तो यहाँ पे तो मैं जंपर करके रखा हूँ क्योंकि लाइन पास करने के लिए, और शॉर्ट तो हट गया है, और जो मेन इसका पावर सेक्शन है मेन मॉस्फेट, तो उसको हम ऑरिजिनली दूसरे एक बोर्ड से लगा देंगे, तो सेम वैल्यूशन का है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये जो फेड है तो ये 30 वोल्ट का ही होता है, मेन जो होता है वो 30 वोल्ट का ही होता है। अगर इसमें 20 वोल्ट या 20 वोल्ट या आसपास कुछ लगा देते हो कोई दिक्कत हो सकता है, लेकिन सेम जो होता है तो सेम ही लगाना पड़ता है। तो नॉर्मली जो जंपर वायर है तो मैं रिमूव कर दिया हूँ, तो नॉर्मली जो है पावर है उसको सही से लगा दिया। तो थोड़ा है ये किसी कस्टमर का ही होगा, ठीक है, तो बाद में इसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, तो बाद में इसको लगा के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे क्लीन करना है कि सर्विस हुआ कि नहीं हुआ है किसी को पता ना चले, एट द न्यू कंडीशन में बोट रखना है, ठीक है। कोई देखे तो बोट नहीं बोल सकता है कि इसमें सर्विस हुआ कि नहीं हुआ है, तो ऐसे कम करना चाहिए। जो मेन आईसी है मेन मॉस्फेट उसको तो चेंज कर दिया है, अब इसको ट्रिगर करके डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो अभी चेक करूँगा, ठीक है। एम्पियर जो है वो सही ले रहा है, इस एम्पियर में कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टिंग जो है वो हट गया है। अब इसको ट्रिगर करूँगा, ट्रिगर करके देखूँगा कि डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो स्विचिंग तो हो गया है अभी, और कीबोर्ड में डिस्प्ले आएगा कि नहीं आएगा। रिस्टार्ट हुआ, ठीक है। देखिए आ गया है इसकी, ठीक है, तो 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, ठीक है। ये पे
तो अभी एक बार तो कीबोर्ड से डिस्प्ले तो चेक कर लिया, एक बार डिस्प्ले लगा के भी डिस्प्ले चेक कर लिया, क्योंकि ये जो एलिवेटेड डिस्प्ले सेक्शन का था उसके नज़दीकी एक SMD भी शॉर्ट था, तो डिस्प्ले भी ख़राब होने का चांस रहता है, तो वो भी चेक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा शॉर्ट नहीं होता है एक साथ में, तो टिकट तो हो गया, ये डिस्प्ले प्रॉपर भी आ गया है, ठीक है, तो नॉर्मली जो है तो डिस्प्ले बच गया है, डिस्प्ले सही है, ठीक है, तो लैपटॉप एरर में आपका स्वागत है, आपका दिन शुभ, बाय।